टारगेट भी डालो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी हिंदी साहित्य अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे शिक्षार्थियों, मैंने विगत में एक वीडियो मैंने आपको सिलेबस एनालिसिस किया था। एक वीडियो मेरा रहा कि ऐतिहासिक रूप से आधुनिक काल यानी आधुनिक काल का आगमन कैसे हम ऐतिहासिक रूप से जाने, यानी एक वीडियो ये रहा। आज मैंने सोचा कि जो भी मेरी वीडियो हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो, यानी भिन्न भिन्न बिंदुओं पर हम लें ताकि आप एक समझ सकें कि हाँ ये चीजें हैं अलग अलग। हम एक क्रम से भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि कुछ एक अलग वीडियो जाए उस क्रम से ना, एक अलग वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत करें। तो आज मैं ऐसे ही एक महान हस्ताक्षर हिंदी में एक महान शख्सियत के को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे और जिसके बारे में उन्होंने जो लिखा उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। आज एक बेसिकली हम एक पर्टिकुलरी ग्रंथ को लेकर के आ रहे हैं जो पद्मावत ग्रंथ है, यानी मलिक मोहम्मद जैसी। हम इस महान शख्सियत के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और इनके ग्रंथ हम पद्मावत पे आपसे कुछ वार्ता करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने मूल बिंदु पर चलते हैं और आज थोड़े से जायसी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, बहुत कुछ नहीं जानेंगे, और पद्मावत के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। पहले इनका दर्शन कर लिया जाए जायसी जी का। अब पता नहीं आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं, लेकिन आप देख लीजिए। ये हैं भक्तिकालीन परंपरा में, यानी निर्गुण भक्त में जब जाएंगे तो वहां पर एक ज्ञानाश्रय शाखा, एक प्रेमाश्रय शाखा मिलेगी, वहां पर आपको ये जैसी मिलेंगे। मलिक मोहम्मद जैसी, जैसा इनका नाम है, इनके नाम में ही इनकी उपाधियां हैं, इनके नाम भी हैं और इनके जन्म स्थान भी हैं, यानी ये इनका नाम ही लिया जा रहा है, यानी एक प्रकार से इनके जन्म स्थान भी दिया जा रहा है और इनकी उपाधि भी दे दी जा रही है। तो आइए चल गए, हम चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में चर्चा करते हैं। हम बेसिकली अगर देखें तो जैसी साहब का जो जन्म हुआ है वह 1492 ईस्वी में होता है, यानी मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म हुआ वह कब होता है, 1492 ईस्वी में इनका क्या होता है, जन्म होता है। जन्म इनका जायस में होता है। जायस कहां है, रायबरेली में है। जायस कहां है, रायबरेली में है। रायबरेली तो आप जानते होंगे, जो यहां उत्तर प्रदेश के नहीं होंगे, बाहर के होंगे, वो ये जान लें कि यह उत्तर प्रदेश में वर्तमान में स्थित है। तो ये जायस के रहने वाले थे, इसीलिए ये जायसी लिखे। यानी बहुत सारे लोग होते हैं कि जो अपने जन्म स्थान को ही अपना टाइटल बना देते हैं। इसी में से आप जैसी साहब को भी देखेंगे, इसी में से एक हिंदी के हस्ताक्षर हुए हैं फिराक गोरखपुरी जी। ये जो है यानी फिराक गोरखपुरी, ये गोरखपुर के रहने वाले थे तो फिराक गोरखपुरी उन्होंने लिख दिया। आजमगढ़ के फिल्मी अगर हस्तियों में देखें तो कैफी आजमी, सबाना आजमी, ये लोग आजमगढ़ के रहने वाले हैं इसलिए आजमी लिखिया इन लोगों ने। मजरूह सुल्तानपुरी का हमने सुना होगा तो सुल्तानपुर के थे, सुल्तानपुरी लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे ही तमाम लोग अपनी अपने गांव को, अपने स्थान को, अपने क्षेत्र के नाम पर अपनी उपाधि रख ली है। तो ये भी मलिक मोहम्मद जैसी साहब, ये जायस के रहने वाले थे इसलिए इन्होंने जैसी लगा दिया, ठीक है। और इनकी इनकी जो उपाधि थी वो उपाधि जो है वो मलिक थी, यानी इनके पिता की उपाधि क्या थी, ये मलिक थी, तो मलिक उपाधि इनकी भी होती है, क्योंकि पिता की भी उपाधि है मलिक शेख उनका नाम था,
तो इनका भी उपाधि मलिक हो जाता है। इनके पिता का नाम जो है वो मलिक शेख ममरेज रहता है, उनको मलिक राजे अशरफ के नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये मलिक इनकी क्या है, उपाधि है। तो दो चीजें आपने जाना, एक मलिक जान गए, चलिए एक मलिक इनकी उपाधि है ये जान गए। अब इनका जो प्रसिद्ध नाम है, एक तो इनका बचपन का नाम था, बचपन का नाम इनका शेख मुनसफी था, ये बचपन का इनका नाम रहता है, लेकिन इनका जो प्रसिद्ध नाम है वो क्या है, मुहम्मद है, मलिक मुहम्मद, ठीक है, मलिक मुहम्मद इनका नाम है, ये प्रसिद्ध नाम है, बचपन का नाम शेख मुनसफी था, कोई बात नहीं है। अब कहां के रहने वाले हैं, हेजाइस में, चूंकि जन्मस्थान इनका है इसलिए ये जायसी लिखे, और अब इनका नाम क्या हो गया, मलिक मुहम्मद जायसी हो गया। 1492 में इनका जन्म होता है और 1542 में कहा जाता है ये मर जाते हैं, यानी यह कालकवलित हो जाते हैं 1542 ईस्वी में। इनके गुरु जो थे वो शेख मोहदी करके थे, जो उनको मेहदी भी कहते थे, मोहदी भी कहते हैं और मुहीउद्दीन भी कहते हैं, यानी इनके जो गुरु थे, मलिक साहब के जो गुरु थे वो कौन थे, यानी गुरु के रूप में इनके कुछ लोग मोहदी कहते हैं, मोहदी नाम, मोहदी कहिए, मेहदी कहिए या मुहीउद्दीन कहिए, ठीक है, मुहीउद्दीन कहिए, मुहीउद्दीन कहिए, ठीक है, आपको जो इच्छा कहिए वो कहिए, मतलब यही है, आप मेहदी मोहदी मेहदी मुहीउद्दीन जो आपको लगता है ये आप पुकार सकते हैं। खास बात यह है कि यह जो उस समय ऐतिहासिक परिदृश्य अगर देखें तो ये किसके समकालीन थे, जब भी आप कोई काम करेंगे आपकी प्रसिद्धि होगी तो उस समय ये देखा जाएगा कि उस समय का राजा कौन था। आज के समय में आप कुछ भी काम करिए तो प्रधानमंत्री देखा जाएगा, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, उस समय देखा जाएगा उसमें सुल्तान कौन है, उसमें शासक कौन है, ये किसके समकालीन है, यानी किसके समय में ये इनका कार्यकाल हो रहा है। तो उस समय अगर कार्यकाल पे जाएंगे तो आपको दो लोगों का मिलेगा, एक बाबर का और एक शेरशाह का, यानी दो लोगों के यह कार्यकाल में ऐसा माना जाता है कि इनका कार्यकाल रहता है। तो बाबर और शेरशाह के ये क्या थे, समकालीन थे। तो किसके समकालीन, अगर मैं समकालीन की बात करूं तो ये किसके समकालीन होते हैं, समकालीन में किसके समकालीन है, बाबर के, बाबर और प्लस शेरशाह, शेरशाह के ये समकालीन होते हैं। रोचक बात यह है कि ये जैसी साहब जो है ये बहुत ही कुरूप थे, यानी जैसी साहब सुंदर नहीं थे, यह इनके चेहरे पे दाने दाने, चेचक का दाना नहीं, पहले बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि चेचक का दाग पड़ जाता था, तो चेचक के इनके चेहरे पे दाग था। यह जो है एक आंख से ही देखते हैं, एक आंख इनकी नहीं थी, विचित्र इनका चेहरा भी था, यानी कुल मिलाकर कि यह कुरूप थे, कुबड़ उबड़ निकला था थोड़ा बहुत, तो कुरूप थे। तो अब चूंकि इनकी इतनी प्रसिद्धि थी, इन्होंने इतना ग्रंथ लिखा था, तो मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि बहुत ज्यादा थी। अब बहुत ज्यादा जब प्रसिद्धि है तो कोई भी शासक अगर सुनेगा तो सोचेगा जरा हम भी उससे मुलाकात करें भाई कि कौन है। तो उसने आदेश दिया कि मलिक मोहम्मद जायसी को बुलाया जाए। मलिक मोहम्मद जायसी जब आए दरबार में और यह बैठे थे तो ये हुआ, पहले तो पहचाना नहीं कि कौन है, तो बताया गया कि ये ही हैं आप, मलिक मोहम्मद जायसी साहब यही हैं। तो जब इनको देखा तो बड़ा तेज से हंसा, यानी इनकी कुरूपता पर भी वो हंसा। तो जायसी अब कभी तो कभी कहीं पर भी, जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, कभी की कल्पना तो फिर पूछिए मत। और साहित्य क्या है, ये कल्पना है, साहित्य क्या है या किसी को ऐसा बांध देता है कि फिर पूछिए मत, वो उसी में घूमता रहे, चक्कर काटता रहे, मजा आता रहेगा, विलीन होता रहेगा। तो साहित्य है, साहित्य तो साहित्य, वो भी हिंदी साहित्य जो सबको समझ में आती है। तो
वह उसने हंसा, तो इन्होंने कहा मोहिका हसिस कि कोह रहें, यानी मोहिका हसिस कि कोह रहें, यानी इन्होंने जैसी साहब ने ये तुरंत जवाब दिया कि या आप जो है मुझ पर हंस रहे हैं या उस कुम्हार पर हंस रहे हैं, उस कुंभकार पर हंस रहे हैं कि जिसने मुझे बनाया है। तो बनाया किसने है? ईश्वर ने बनाया है। बनाया किसने है? खुदा ने बनाया है। तो अगर मुझे ईश्वर ने बनाया है तो उस वह कुम्हार हुआ मेरा, सारे लोगों को बनाने वाला ईश्वर है तो कुम्हार हुआ। तो किसी के बाह्य अंग को देखकर, किसी के चमड़ी को देख करके, किसी के चेहरे को देख करके और मुझे हंसी आए, ये शोभनीय नहीं है। ये कब शोभनीय है? अज्ञानतावश। लेकिन अगर ज्ञानवान हैं, एक पद पर सुशोभित आप एक आसीन हैं, तो अच्छा नहीं होता है किसी को देख करके और उसके गुणों को देखिए, उसके बाह्य आवरण को मत देखिए, उसको सूरत को मत देखिए कि कैसा है, गुण देखिए कि गुणों में वह कैसा है। तो जब इनको ये कहते हैं मोहिका हसस या मुझ पर हंस रहे हैं या उस कुम्हार पर हंस रहे हैं जिसने मुझे बनाया है, शेरशाह वहीं पे निरुत्तर हो जाता है और इनको सम्मान के साथ बैठाता है और आगे की प्रक्रियाएं उनकी चलती हैं। इन्होंने जैसी साहब ने तमाम रचनाएं की हैं, इन रचनाओं में आप ये जानते हैं कि एक रचना पद्मावत भी होती है, मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले भी हम थोड़ा सा आप पर अगर ये कहूं कि थोड़ी सी मैं आपको चर्चा कर लूं कि पद्मावत के पहले भी बहुत सारे इन्होंने रचनाएं किया है, लेकिन हम आज कोई तथ्यात्मक रूप से ये नहीं बताएंगे कि फला फला डेट में एक तथ्यात्मक नहीं, एक कॉन्सेप्ट आज मैं समझाने आया हूं, उस कॉन्सेप्ट को समझिए, पुनः फैक्ट तो हम लोग चला ही जाएगा, किया ही जाएगा। तो इनकी जो रचना कुछ है वो रचना आप जान लीजिए, आवट रचना है और नामा रचना है, एक आखिरी कलाम है। आवट मतलब जानते हैं, जैसे अखरावट, एक इनकी रचना क्या है? अखरावट है। एक रचना सखरावत है, अखरावट भी है सखरावत भी है चंपावत भी है, यानी अखरावट सखरावत चंपावत, लिख दें क्या? लिख दें अखरावट सखरावट सखरावट सखरावट, क्या लिखें? चंपावत। आप सुन लीजिए, बहुत ज्यादा इसमें कोई फैक्ट आप मैं नहीं देना चाह रहा हूं, बस ये तो रचना है इसलिए बोल दे रहा हूं। तो अखरावट भी है, सखरावत भी है, चंपावत भी है, इतरावत भी है, मटकावत भी है, मटकावत भी है, मटकाना जानते हैं ना, चित्रावत भी है, और एक इनका नामा से, इतना तो मान लीजिए आवट से चला, ठीक है, एक इनका नामा से है, खुरवा नामा है, मुराई नामा है, मुखहरा नामा है, मुखरा नामा है, पोस्ती नामा है और होली नामा है, ये सब क्या होते हैं? इनके नामा से होते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो बचे खुचे थे एक और निकाल लिए आवट वाले, नैनावत, यानी रामचंद्र शुक्ल ने एक और निकालिए, नैनो की तो बात नैना जाने रे, नैनावत, ठीक है, नैनावत इन्होंने एक अन्य कहा कि ये इनकी नैनावत भी इन्हीं की रचना होती है। तो ये तो रचनाओं के संदर्भ में आपको कुछ रचनाएं इनकी मिलती हैं, लेकिन इनकी जो सबसे प्रसिद्धि का कारण बनी, जो अवधि को भी, अगर अवधि को अवधि बनाने में मात्र दो लोगों का योगदान है, अवधि को अवधि बनाने में मात्र दो लोगों का योगदान है, एक जयसी साहब का और एक गोस्वामी तुलसीदास जी का। इन्होंने अवधि से इतना प्रेम करवा दिया कि फिर पूछिए मत, इतना लिख करके इतना प्रेम, इतना लगाव हो गया अवधि से कि सारे लोग अवधि को प्यार करने लगे, यानी भाषाओं से भी प्यार होता है, केवल मनुष्य से नहीं होता है, भाषाओं से भी होता है। तो अवधि को
इन लोगों ने, यानी मानक स्तंभ के तौर पर इन लोगों ने, या दो लोगों ने, मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने और तुलसीदास ने, इन्होंने पद्मावत लिख करके और उन्होंने रामचरितमानस लिख करके पूरा का पूरा अवधि को एकदम मानकीकृत कर दिया, अवधि को सर्वोत्कृष्ट भाषाओं में ला करके खड़ा कर दिया। तो जैसी साहब का आज का जो मेरा टॉपिक है उस पर हम मूल रूप से आए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पद्मावत है, ठीक है, पद्मावत है। और पद्मावत जो है यह मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा, पद्मावत नाम से फिल्म भी बनी है, कुछ जो है कुछ चीजें सही हैं, कुछ चीजें फिल्म है तो उसमें मिर्च मसाला तो लगाया ही जाएगा, बिना उसके चलेगा कहां से, लेकिन कुछ चीजें वहीं से ली गई हैं, ठीक है। पद्मावत को इन्होंने जब लिखा तो बच्चन सिंह आदि विद्वान ने इसको 1540 ईस्वी माना, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने 1520 ईस्वी के 927 सहा के संदर्भ में इन्होंने बताया है। और उन लोगों ने, यानी बच्चन सिंह आदि विद्वानों ने 947 हिजरी संबंध मानते हैं और रामचंद्र शुक्ल साहब 927 हिजरी संबंध मानते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है तो 947 हिजरी संबंध को ही माना गया है। तो अगर हिजरी संबंध से निकालेंगे, सन को निकालेंगे, तो 927 के हिसाब से 1520 आ जाएगा और 947 के अगर हिसाब से मानेंगे तो 1540 आ जाएगा, यानी इसका लेखन काल ये आ जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि 1542 में इनकी मृत्यु हो जा रही है, तो यानी ये हालांकि आखिरी कलाम ये लास्ट में लिखते हैं लेकिन फिर भी इन्होंने लिखा पूरा किया है। अब थोड़ा सा आप पद्मावत के बारे में थोड़ी कहानी जान लीजिए, बस एक कहानी के तौर पर आप सुनिएगा, और कहानी के तौर पर चूंकि अगर मोटी मोटा बात आ जाती है, दिमाग में आ जाए तो फिर अच्छा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा आपसे इस पर चर्चा करने आए हैं, यानी इनके पद्मावत पर आए हैं। चल अगर पद्मावत को देखेंगे तो इसमें क्या है, कहानी इतनी रोचक कैसे बनी, कहानी को इस रोचकता प्रदान करने में जायसी साहब ने कितना, उनका कितना महत्व है, और लोग इसको कैसे देखे, आदि आदि बिंदुओं पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। पद्मावत को लिखने के पहले क्या पद्मावत जो है इन्होंने कहीं से कुछ लिया है कि स्वयं की इनकी एक स्वयं की ये रचना है, स्वयं में इन्होंने सोचा, स्वयं में इन्होंने कोई घटना घटी ऐसा कि इस पर कुछ इन्होंने लिखा, तो ऐतिहासिक घटना है, लेकिन इन्होंने एक स्वयंभू ने एक ग्रंथ लिखा, पौमचर्यु लिखा। क्या लिखा? पौमचर्यु लिखा। अगर आप लोग जानते हो पौमचर्यु किसका है, स्वयंभू का है, स्वयंभू का है। स्वयंभू ने पौमचर्यु नामक एक ग्रंथ लिखा, और ये जो पद्मावत है जायसी ने इसी स्वयंभू के पौमचर्यु को आधार में लिया है। यानी मूलतः अगर मैं ये कहूं कि इसका मूल ढांचा कहां से लिया गया है, तो मूल ढांचा पौमचर्यु से इनको मिला है। किसको? जायसी साहब को। तो एक बात क्लियर है कि पद्मावत स्वयं से नहीं, कहीं न कहीं एक आधार हमको मिला है, उस आधार पर हम अपनी भी बातें कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर के हम आगे बढ़ा दिए हैं, तो ठीक है, अच्छी चीज है। तो एक पॉइंट यहां पर ये आपको जानने योग्य है। अब यहां जब हम बात आती है तो यहां दो तीन बिंदुओं पर आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। जानना क्या चाहिए? यहां पर पूरे इस पद्मावत में जो मुख्य कहानी चलती है वो तीन राज्यों की चलती है। कौन कौन से हैं यहां पर आप जान लीजिए। एक राज्य होता है सिंहलद्वीप। कौन सा है? सिंहलद्वीप है, सिंहलद्वीप है, ठीक। चलिए, एक राज्य कौन होता है? एक राज होता है चित्तौड़, चित्तौड़ होता है। चलिए,
और एक जो राज्य होता है वो होता है दिल्ली होता है। तीनों आप अस्पष्ट तौर पर समझने का प्रयास कीजिएगा, कोई बहुत तेजी मत मचाइएगा। यहां पर अगर आप ये देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके लिख रहा हूं, अगर ये देखेंगे तो यहां पर आपको सिंघल द्वीप में मिलेगा कौन, गंधर्व सेन मिलेंगे। गंधर्व सेन यहां के राजा रहते हैं, इनकी पुत्री का नाम रहता है पद्मावती, पद्मावती इनकी पुत्री का नाम है, ठीक है। पद्मावती जो है यह बड़ी खूबसूरत रहती हैं, सारी कहानी खूबसूरती पर है इतना जान लीजिएगा। और ये एक तोता पाली रहती हैं, जो उसका नाम इन्होंने हीरामन नाम का ये तोता रहता है, ये बड़ा गुरु आदमी है ये हीरामन, सारा सारा खेला इसका है। और भी अभी आएंगे तो उस पर बता रहे हैं किसका किसका, यहां पूरी पद्मावत में मुख्य भूमिका कहां से कहां रही है। देखिए ये तीन यहां पर हैं जो आपको पात्र के रूप में प्रमुखता आपको मिलेंगे, अन्य छोड़ दीजिए लोगों को। आ जाइए चित्तौड़ में, चित्तौड़ में आपको मिलेंगे विचित्र सेन का एक लड़का मिलेगा रत्न सेन, ये भी कमाल का है, रत्न सेन है, प्रेमी टाइप के ये आदमी है, बहुत ही सुंदर है। यहां पद्मावती बहुत सुंदर है, ऐसा मानो लगता है कि ऐसा वर्णन जैसी साहब ने किया है कि फिर धरा पर क्या आकाश गगन कहीं पर इस त्रैलोक में इतना सुंदर कोई नहीं होगा, इतना वर्णन इन्होंने किया है। और यहां ये महिलाओं में, पुरुषों में अगर हुआ है तो रत्नसेन बहुत सुंदर है, इसकी भी सुंदरता की फिर पूछिए मत। ये सारा कहानी बता कौन रहा है, ये गुरु बता रहा है, जो हीरामन है ये बता रहा है कि तुम तो ऐसी हो तुम तो ऐसा हो। चलिए रत्नसेन है, सिफत ये है कि रत्नसेन की शादी हो गई है, रत्नसेन की शादी हो गई है, और किससे हो गई है, नागमती से हो गई है, नागमती इनकी पत्नी हो जाती है यानी इनकी शादी हो जाती है। और नागमती भी कम सुंदर नहीं रहती हैं, महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या कि वो अपनी सुंदरता में ही परेशान रहती हैं, जब भी अगर कहीं जाती हैं या किसी को सुन लें तो सबसे पहले कहेंगी मैं नहीं सुंदर हूं क्या, यानी ये रहता है टेंडेंसी रहता है, अब तो पुरुषों के अंदर भी आ गया है, उनसे अधिक तो ये सुंदरता दिखाने में है। फिलहाल ये मैं पहले की बात बता रहा हूं, फिलहाल अच्छी चीज है, पद्मावती इधर सुंदर है, नागमती अपने आप को विश्व सुंदरी अपने आप को मान रही है, इधर पद्मावती भी मान रही है, दोनों लोग मान रही हैं। अब होता क्या है कि यहीं पर एक आपको मिलेगा राघव चेतन नाम का एक यहां पर बहुत ही कुटिल पंडित मिलेगा राघव चेतन, अभी मैं बता रहा हूं इसके अभी प्रतीक भी हैं, ये सब प्रतीक रूप में माने गए हैं, संकेत रूप में, ये शैतान के रूप में माना गया है, गुरु के रूप में माना गया, अभी मैं बता रहा हूं, पहले आप ये सुन लीजिए। ये राघव चेतन भी यहां पर आपको मिल जाता है, चलिए ठीक है अच्छी चीज है। अब होता क्या है, और तीसरा जो दिल्ली है, यहां दिल्ली में अलाउद्दीन बैठा हुआ है, उस समय अलाउद्दीन खिलजी बैठा है, ये बैठा है दिल्ली के दरबार में, यहां पर काम कर रहा है। बेसिकली यह इतने आपके प्रमुख पात्र हैं, इसके बाद सारे पात्र गौण हैं, आएंगे आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। गंधर्व सेन, जब पद्मावती सुंदर इतनी रहती है तो गंधर्व सेन करते क्या हैं, इसकी इसको चिंता नहीं रहती, और इसको पद्मावती को अपनी शादी की चिंता होने लगती है कि भाई मेरी शादी किससे होगी, मुझसे तो कोई सुंदर है नहीं, बड़ी चिंता होती है। लोग गंधर्व सेन से कहते हैं भैया इसकी शादी तो अब करो, अब तो शादी करने लायक हो गई है तो इसकी शादी भी तो करना जरूरी है।
तो कहते हैं चिंता मत करिए, मैं करूंगा, हाँ, होगा, समय पाए फल होते है, समय पाए झर जात, आएगा, करूंगा। ये जो है, ये जो हीरा मन है, जो ये तोता है, शुग्गा है, ये बहुत कलाकार टाइप में है। ये सारी बातें सुनता है और इसकी चिंता का कारण पूछता है, ये चिंतित होती है, इसकी चिंता का कारण पूछता है तो ये कहता है कि मेरी शादी नहीं, अब कौन मिलेगा, कैसा मिलेगा, तमाम। ये कहता है मैं खोजूंगा तुम्हारे लिए, यानी मैं तुम्हारे लिए बर ढूंढूंगा, ये तोता कह रहा है। तो ये जो है इसका, अच्छा ये बातें जब गंधर्व सेन सुनते हैं तब तो उनका पारा हाई हो जाता है, कहते हैं अच्छा आप तुम खोजोगे, तुम ही सबसे बड़ा एकराट हो गए हो, तो इसको डांट डपट के खदड़ देते हैं, कहते हैं कि जाओ। लेकिन फिर भी पद्मावती क्या करती है, इसको रोक लेती, इसको हर्ट हो जाता है, दिल पे लग जाता है, इसको दिल पे ले लेता है ये, और जब दिल पे ले लेता है, लेकिन अब चूंकि ये पद्मावती इसको रोकती है, कहती है नहीं, कम से कम ये सुबह शाम हमेशा इसकी सुंदरता का बखान किए रहता है कि नहीं नहीं, तो ये बड़ा ही मानती है इसको, तो ये उसको रोक लेती है। लेकिन दिल में तो चुभन है कि नहीं, मैं खोजूंगा इसके लिए और मैं ही खोजूंगा, ये भी ठान लिया है। गंधर्व सेन को तो नहीं है अब इससे शादी, इसके मनमर्जी का शादी मैं नहीं करने दूंगा, अब मेरी ही चलेगी, ऐसा ये मन में ठान लिया अपने। और एक दिन पद्मावती अपनी सखियों के साथ जाती है स्नान करने के लिए, तो ये क्या करते हैं महोदय, वहां से उड़े निकलते हैं, भाग निकलते हैं। अब जब जाते हैं, भागते हैं, बगीचे में जाते हैं, तो चूंकि प्रसिद्ध है ये तोता है, वहां राजा के दरबार में रह रहा है, तो सारे तोते इसको जानते हैं, सब सारे पक्षी जानते हैं। ज्यों ये जाता है, आइए आइए, ये बड़ा स्वागत उगत करते हैं, स्वागत करते हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये मलिक मुहम्मद जैसी बता रहे हैं, ये मत सोचिएगा मैं बता रहा हूं, ये वो उन्होंने लिखा है। तो ये जब स्वागत होता है तो बड़ा प्रसन्न होता है कि मेरी भी कोई इस समाज में रुतबा है, अभी भी बचा हुआ है, बरकरार है। अच्छा, तो उस समय कुछ भोजन वोजन का कुछ ऐसा प्रबंध था, बहेलिया आता है जो शिकारी रहता है, वह उसको देखकर सारे पक्षी उड़ जाते हैं, वो बहेलिया इसको पकड़ लेता है, ये बेचारा हो जाता है, कैद हो जाता है, यानी ये हो गया कैद। ये कम, अब जब कैद हुआ, अब बहेलिया क्या किया, ले गया सिंघलदीप के बाजार में ले गया, और बाजार में जब ले गया तो वहां इसको बेच दिया। वहां बाजार में तमाम व्यापारी आए हुए थे, तो एक व्यापारी के साथ एक ब्राह्मण भी आया था, उसी ब्राह्मण ने क्या किया, इसको खरीद लिया, क्योंकि देखा ही बहुत वक्ता टाइप में हो, भी वक्ता था, तो सोचा बस इससे बनेगी और जो मैं कहूंगा वो करेगा, बनेगी। इसने ये भी चूंकि, अच्छा थोड़ा मैं आपको प्रतीक बता दूं यहाँ पे तो अच्छा रहेगा, आपको प्रतीक जान करके थोड़ा सा देखिए, पद्मावत के पात्र उनका प्रतीक, सिंघलदीप किसका प्रतीक है, हृदय का प्रतीक है या रूह का प्रतीक है, सिंघलदीप है तो ये हृदय का प्रतीक है, पद्मिनी जो है ये बुद्धि का प्रतीक है, प्रज्ञा मतलब भी बुद्धि, परम सत्ता यानी बुद्धि के संदर्भ में ही है, कभी कभी हो सकता है बुद्धि ना दे प्रज्ञा दे दें, किसका प्रतीक पद्मिनी है, तो आप सोचें सर तो बुद्धि बताए हैं, प्रज्ञा दे सकता है, परम सत्ता भी दे सकता है, तो ये परम सत्ता का भी प्रसिद्ध है, प्रज्ञा का भी प्रसिद्ध प्रतीक है और बुद्धि की भी ये प्रतीक है। हीरामन ये गुरु का प्रतीक है, ये क्या है, ये गुरु का प्रतीक है, जो तोता है, जो शुग्गा है। चित्तौड़ जो है ये तन का प्रसिद्ध है, तन के लिए ये प्रतीक है, यानी चित्तौड़ जो है ये तन माना गया है। रत्नसेन जो है ये आत्मा का प्रसिद्ध प्रतीक है या मन का प्रतीक है, यानी रत्नसेन जो है ये मन के प्रतीक होते हैं या आत्मा के प्रतीक होते हैं, मन भी कह लीजिए आत्मा भी कह लीजिए। नागमती जो इनकी पत्नी रहती है, ये दुनियादारी धंधा, दुनियादारी या धंधा या नफ्स का प्रतीक है, नफ्स मतलब भी होता है दुनियादारी रूप में, जो धंधा होता है उसी के कहते हैं नफ्स कहते हैं, तो दुनियादारी या धंधा का ये प्रतीक है नागमती। राघव चेतन ये शैतान का प्रतीक है, ये शैतान वाला काम करता है तो शैतान का प्रतीक हो जाता है। और अलाउद्दीन जो माया में पड़ जाता है, दुविधा में दोनों गए माया मिले राम, तो ये माया का प्रतीक है। तो ये प्रतीक आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चंस पूछा जाता है कौन किसका प्रतीक है,
राघव चेतन किसका प्रतीक है, हीरामन तोता किसका, हीरामन क्या था, तोता था, किसका प्रतीक है, तो गुरु का। पद्मिनी किसकी प्रतीक है, प्रज्ञा का या बुद्धि का या परम सत्ता का प्रतीक है। सिंहलदीप हृदय का प्रतीक होता है, चित्तौड़ तन का, रत्नसेन मन का, और आपका नागमती दुनियादारी का, और जागरूक चेतन शैतान, अलाउद्दीन माया, ये प्रतीक आपसे पूछा जाता है। तो इस प्रतीक को थोड़ा सा अपने दिमाग में आप एक काम करिएगा, थोड़ा सा बैठा लीजिएगा यानी पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो ये तो प्रतीक रूप में भी आपको जानना होता है और समझना होता है, कोई बात नहीं है। आ जाइए, मैं यहां पे था आपको समझा रहा था। अब ये जो है, जब इसको ये हर्ट हो तो ये जब जाता है ब्राह्मण के पास जाता है, वहां से ब्राह्मण क्या करता है, इसको बेच देता है। किसको? रत्नसेन को बेच देता है। अब ये जो हीरा मन है ये आ जाता है रत्नसेन के पास आ जाता है, और रत्नसेन इसकी वाक्पटुता पर इसके इसको खरीद लेते हैं 1,00,000 रुपए में, ऐसा माना जाता है कि इसको खरीद लेते हैं। तो यहां पर ये इसके पास रहने लगता है, रत्नसेन के पास बातचीत करता रहता है, और तमाम ये भी गुरु है तो गुरु ही वाली बात करेगा। संयोग से एक दिन होता क्या है, ये गया रहता है शिकार पर, और नागमती, बस नागमती एकदम सज धज करके सोचती हैं अब हमारी, थोड़ा सा हम भी, बड़ा ये बात करता है सुनते हैं, बड़ा तारीफ करता है, देखें इसकी, चूंकि इनकी तारीफ ये करता रहता है, रत्नसेन की तारीफ करता रहता है, तो ये सोचती हैं कि हम भी थोड़ी ना, हम कम थोड़ी ना है, हम भी तो सुंदर हैं, तो आइए थोड़ा सा मैं भी देखूं। तो नागमती जाती हैं और कहती हैं कि मैं कितनी सुंदर हूं जरा बताओ। तब तो फिर पूछिए मत इसकी कहानी, ये कहानी ये उल्टा कर देता है। अब नागमती को बताने से पहले कहता है कि तुम क्या सुंदर हो, तुम्हारी क्या सुंदरता है, इस सुंदरता को छोड़ो, अरे तुम तो अंधकार हो पद्मावती के सामने। अरे बाप रे भाई, इसको प्रकाश, इसको अंधकार बता दिया, इसको इतना तुच्छ घोषित कर दिया। अब इसको टेंशन हो गई, अब इसका लगा पद्मावती का बखान करने, और इसको जो है, हालांकि नागमती भी बहुत सुंदर है, लेकिन इसको क्या कर दिया, डाउन कर दिया ये बेचारी। अच्छा, महिलाएं तुरंत डाउन भी हो जाती हैं, और तुरंत कभी कभी खतरा होने लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारे पति को ये कब्जा कर ले, जो इसका शक था वही परिवर्तित होने वाला था हकीकत में। इसने क्या किया, अपनी दासी से कहा इस हीरामन को ले जाओ, मार डालो, यहां सटाओ। दासी चूंकि जानती थी कि रत्नसेन हीरामन को इसको बहुत मानता है, तो उसने क्या किया दिया, वो एक जगह रख दिया यानी चुरा दिया, लेकिन नागमती न जान पा। रत्नसेन आता है, इसको खोजता है, नहीं मिलता है, तो दबाव पड़ता है, तो दासी सब कुछ कबूल देती है, और जब सब कुछ बता देती है रत्नसेन को, और पुनः आ जाता है। अब इससे लगता है ये वर्णन करने, किसका, पद्मावती का लगता है वर्णन करने, और पद्मावती का वर्णन करते करते इतना जबरदस्त वर्णन किया कि इनको यहीं से प्रेम उत्पन्न हो गया बिना देखे ओखे। ऐसा प्रेम उत्पन्न हुआ कि ये जोगी का वेश धारण करके और चल दिए, कहां पर, सिंहलदीप, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे हो गई, ये गाना है ना, जैसी भी 7 समुंदर भी पार की बात करते हैं, तो 7 समुंदर पार करके अब चल देते हैं सिंहलदीप, कलिंग होते उड़ीसा होते सिंहलदीप पे पहुंचते हैं। चलिए भैया, वहां पे ऐसा 16,000 कहते हैं राजकुमारों को लेकर के ये पहुंचते हैं। हीरामन ये गुरु जो है इनके साथ साथ चलता है, ये चलिए मैं आपको मिलाता हूं, देखिए मेरी रानी कैसी सुंदर है। अब ये चले राज दरबार छोड़कर, सबको लेकर के आया यहाँ पे, यहाँ एक मंदिर पे इनको ठहरा दिया, कहा कि यही मिलेंगी बसंत पंचमी के दिन। अब जब यही बसंत पंचमी के दिन पद्मावती का दर्शन होगा, कहा आप रुकिए अब यही इंतजार करिए बसंत पंचमी तक, अब मैं आता हूं, अब पद्मावती से मिलकर आता हूं। अब ये पुनः जाता है इससे मिलने के लिए, ये बेचारी बिरह में, इसके बिरह में है ही, बड़ा दुखी थी, हीरामन चला गया, पता नहीं कहां चला गया, एक खोज निकाला, और उसके बाद आता है। अब इन दोनों में बड़ा ही आपसी प्रेम रहता है, अपनी कुछ ये कहता है, कुछ वो कहती है, दोनों लोग आपस में कहा सुनी होता है,
प्रेम की बातें होती हैं, कहता है चिंता मत करिए मैं खोज लाया हूं। अब ये जो है इसके बारे में लगता है वर्णन करने की, रत्नसेन, अरे बाप रे बाप, इतना तो सुंदर कोई है ये नहीं है, इसकी काया, इसकी माया, इसकी शरीर, इसकी सोच, ये वर्णन तमाम, इसके बाल, सब वर्णन करने लगता है। तो ये तो यहां मोहित होकर के आया, मैं शादी ही करके लाऊंगा यहां। और ये जब ये सुन लेती है तो ये भी बेचैन हो जाती है, कहती है अब वर तो हम उसी को मानेंगे, अब चाहे हो चाहे जाए, चाहे जान अब भी जाए, ऐसा है ना। तो यानी अब तो वर मानूंगी ही मानूंगी। पद्मावती अब यहां ठान लेती हैं और कहती हैं चलिए हम चलेंगे। वहां जब जाती हैं मंदिर में, महादेव मंदिर में जाती हैं, तो रत्नसेन जब इसको देखता है तो मूर्छित हो जाता है, इतनी सुंदर थी। अब भाई हम भी नहीं देखे हैं कितनी सुंदर थी, लेकिन ऐसा वर्णन मिला है इसको हम बता रहे हैं। अब ये जब देखती हैं और ये मूर्छित हो जाते हैं, जब मूर्छित हो जाते हैं तो इनके सीने पे वो लिख देती है कि अब मेरी मुलाकात राजमहल में ही होगी और आपको वहां आना पड़ेगा। अरे फिर पूछिए मत, जब इनकी आंखें खुलती हैं उसके बाद देखते हैं तो कहते हैं अब जो चाहे जा मैं जरूर आऊंगा। बीच में तमाम कहानियां मैं शॉर्ट करके चल रहा हूं, तमाम कहानियां ऐसी आती हैं कि वहीं पे भोलेनाथ आते हैं, हनुमान जी आते हैं, तमाम ऐसे बिंदु आए हैं, उसको थोड़ा शॉर्ट करके हम आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल माल में जाते हैं, इनको एक बूटी मिलती है, बूटी से सिद्ध एक गुप्त रास्ता मिलता है। ये सब सारी बातें होते हुए अंततः फाइनली ये जो है पद्मावती को प्राप्त कर लेते हैं। यहां पद्मावती मिल जाती हैं। अब जब इनको मिल जाती हैं, अब ये वहीं कुछ दिन तक रहते हैं। और इधर नागमती का एकदम विरह चल रहा है, नागमती का विरह खंड। यह पद्मावत का जो नागमती का विरह खंड है, ये हिंदी साहित्य की उत्कृष्टतम विरह वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि इतना उत्कृष्ट, इतना अच्छा विरह किसी ने लिखा नहीं है। तो नागमती का विरह खंड भी यहां पर आपको मिलेगा। ये इधर परेशान है, सबसे पेड़ पत्ते, जैसे रामचंद्र जी पूछते हैं खग हे मृग मद कुरसेनी, तुम देखी सीता मृगनेनी, ऐसे ही नागमती का विरह चलता है, सबसे पूछती हैं कहां गए हैं। अंततः एक ये भी पक्षी को भेजती हैं दूत बना करके, तुम जाओ और उनको खोज लाओ कहां पर हैं। तो ये आता है, पक्षी आता है और रत्नसेन से मुलाकात होती है। रत्नसेन से जब मुलाकात होती है तो इसके विरह का वह वर्णन करता है। तो जब इसके विरह का वर्णन करता है तब इसको याद आता है, ओ वहां भी ऐसा एक है, अभी जो है मैं वहां भी तो मेरी एक है। तो ये अब रत्नसेन पद्मावती से कहता है वहां नहीं, अब वहां चलना पड़ेगा। तो ये तैयार व्यार होते हैं, फिलहाल यहां से धन धान्य दे करके विदाई करते हैं, गंधर्व सेन जी विदाई करते हैं। और ये जो है आपको ये आते हैं। तो अब बीच में ऐसा आता है कि बहुत सारे समुद्र भी धन दौलत दे देते हैं, समुद्र आते हैं, वहीं लक्ष्मी से मुलाकात होती है, ये सब सारी इधर उधर हो जाते हैं, बहुत सारे मारे जाते हैं, फिर पुनः लक्ष्मी के कारण जीवित होती है, तमाम घटनाएं बीच में आती हैं। वो सब घटनाओं को काटते हुए हम लास्ट पॉइंट पर आते हैं। अब ये आ जाते हैं कहां पर, चित्तौड़ आ जाते हैं, यहां पे आ जाते हैं चित्तौड़ आते हैं। तो यहां पर राघव चेतन नाम का ये होता है कि इससे पूछते हैं, यहां पर बधाई उधाई चलती है, सारी कुछ चीजें होती हैं, राघव चेतन रहता है। तो राघव चेतन से कहते हैं दूज कब है, दूज होता है ना, दूज का चांद बड़ा ही प्रसिद्ध होता है। तो ये कहते हैं, पूछा जाता है दूज कब है, ये बड़ा तांत्रिक है, ये तांत्रिक है और जो है ये ऐसा माना जाता है यक्षिणी इसके बस में है, जब चाहे तब दिन कर दे, जब चाहे रात कर दे, ऐसा कुछ तंत्र मंत्र इसके पास था। तो राघव चेतन कहता आज ही है और अन्य विद्वान कहते हैं कि कल है। अब इसको सिद्ध करना था, इस पर बैठक हो गई, तो उसने कहा आज ही है और इसने चांद को रात में दिखा दिया अपनी माया से। अब चांद को दिखा दिया तो उस दिन जय जयकार हुआ, लेकिन अगले दिन चांद भी निकलने वाला था, उसको अब क्या करना है। तो फिर अगले दिन वही काम हुआ, निकल गया। तो इसको बड़ा यातना, मैंने बहुत ही सम्मानिक रूप से इसको ठेस पहुंचा, राजा इसको बहुत कुछ कह सुन दिए, तो इसको भी ठेस दिल में, अब इसको भी यहाँ चोट लगा।
अब इसको जब चोट लगा तो ये पद्मावती कहती हैं, इसको मनाती हैं लेकिन मानता नहीं है, तो ये एक अपना कंगन दे देती हैं इसको कि तभी मान जाए रहे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मानता नहीं है, निकल पड़ता है। और निकल करके ये चला आता है अलाउद्दीन के पास। अब यहां आता है और ये कंगन भी देता है, कहता है देखिए अब दूसरा कंगन ऐसा बनवा दीजिए तो जानू, कंगन वो बन नहीं पाता है उस प्रकार से, इतना वह सुंदर कंगन है। और अब लगता है पद्मावती का ये वर्णन करने। अब पद्मावती का जब ये वर्णन करता है, अब ये मोहित हो जाता है, पूरी कहानी सब प्रेम पर आधारित है। अब ये मोहित हो जाता है तो ये होता है कि अब ये आएगा, अब ये पद्मावती के लिए व्याकुल होता है, अब इसके दिल में प्यार जग गया पद्मावती के लिए। अब यहां से यह आप पहले तो रतरसेन को कहा कि भिजवा दो, लेकिन ये नहीं माने, ये भी कहे नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसने तमाम आक्रमण किए नहीं सफल हो पाया उसमें, तो ऐसा मिलता है ऐतिहासिक रूप से मिलता है, नहीं सफल हो पाया तो अंततः जब नहीं माना तो इसने एक संधि किया कि चलिए ठीक है एक बार दर्शन ही करवा दीजिए, ऐसा भी मिलता है कि केवल एक बार दर्शन ही करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल ये संधि के लिए तैयार हो गए, कोई बात नहीं। तो संधि के लिए जब बात होती है और दर्शन के लिए जब बात होती है, तो उसी बीच गोरा और बादल, यानी गोरा और बादल नामक जो उसके जो दो सिपाही थे, चंद्रशेखर मिश्र जी ने ऐसा अपने कविता में लिखा है और मिलता भी है, तो गोरा और बादल नाम के जो दो सिपाही हैं, वो सिपाही इस पर तैयार नहीं होते हैं कि नहीं नहीं हम अपनी रानी को मैं क्यों दर्पण में ही क्यों दिखाऊं, मैं दिखाऊंगा ही नहीं, ये हमारे कुल की आन शान बान की बात है, मैं दिखाऊंगा ही नहीं। लेकिन ये जो है रतनसेन गोरा को डांट देते हैं और डांट कर कहते हैं तुम क्या जानो राजनीति की बात, ऐसा कह करके, और जो है ऐसा उसको अपमानित कर देते हैं, तो बड़ा वो अपमानित सा महसूस करता है गोरा, जो बहुत ही बलशाली हुआ करता है। और उसने जब उसको लगा कि अब तो मेरा यहाँ क्या काम है, अब तो ये रत्नसेन के हाथ में सत्ता है, इसके पिता विचित्र सेन थे, वो बड़ा ही सम्मान करते थे और इसको सहेज कर गए थे कि मैं न रहूं तो मेरे पूरे परिवार की रक्षा का दायित्व तो तुम्हारे ऊपर ही है, तो उनका वो सम्मान से रुका हुआ है। फिलहाल जब इतना अपमानित तो हो जाता है तो वो अपनी तलवार फेंक करके वो निकलता है, तो ये इनको लगता है कि रत्नसेन को कि ये तो मेरा अपमान किया, उसने कहा, रत्नसेन ने कहा कि ज्यादे मत अपने अवकात में रहो, इस प्रकार से अब कुछ हुआ, उस समय तो हम थे नहीं कि मैं एजीटीज बताऊं, लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ होगा, कल्पना के आधार पर सोच सकते हैं कि हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं बधवा दूंगा ऐसा, तो उसने कहा किसकी हिम्मत है कि मतलब मुझे बांध ले, और अपने तलवार को उठाता है, कोई उसके सामने टिकने वाला नहीं है, ऐसा वर्णन होता है। लेकिन फिर भी वो निकल जाता है और निकल करके जंगलों में वो चला जाता है। यहां पर अब जब वो चला जाता है और यहां पर होता क्या है कि अलाउद्दीन को दिखाया जाता है, एक आता है रस्म भोजन पानी जो भी होता होगा उसको करके दिखाया जाता है, एक शीशे में दिखाया जाता है। जब शीशे में ये देखता है अलाउद्दीन, अच्छा ये कहूंगा नहीं तो नहीं तो जाति जाति धर्म पर हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये अलाउद्दीन जो है ये इसके मन में अब ये भी देखता है इतनी सुंदर है, तो एक मन में इसके अब आ जाता है कुप्रवृत्ति, यानी धोखे की बात, छल कपट की बात आ जाती है, और इसने कहा ठीक है बहुत ही अच्छा है, और कहे चलिए साथ छोड़ने के लिए जाते हैं रत्नसेन बाहर गेट तक, ये मेहमान नवाजी है कि गेट तक जाते हैं, और जब गेट तक जाते हैं तो सारा प्लान बना करके रखा हुआ रहता है और वहीं पे रत्नसेन को बैठाता है और लेकर दिल्ली चला जाता है। अब जब दिल्ली चला जाता है पूरी हाहाकार मच गई है कि अब जब तक पद्मिनी नहीं आएगी तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा ये फरमान भिजवाता है, हाहाकार मच गया, अब कैसे होगा, पद्मिनी को जाना पड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी को, पद्मिनी ने
वहीं पर ऐसा चंद्रशेखर मिश्र जी ने एक कविता लिखी है, बड़ी मार्मिक कविता है, हालांकि वो वीर रस की कविता है, लेकिन उस कविता को पढ़ते पढ़ते आंसू आ जाते हैं, बड़ी लंबी कविता है। तो उस कविता को नरेंद्र मिश्र जी ने लिखा है, और हालांकि नरेंद्र मिश्र जी अभी भी हैं, उन्होंने बड़ा ही मार्मिक तरीके से एक कविता, बड़ी लंबी है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा सुना देता हूं। तो ये जब चला जाता है और इसको पद्मिनी जो है सोचती है कोई तो ला नहीं सकता है, और केवल लाने वाला कौन है, वह है सिर्फ और सिर्फ गोरा ही ला सकता है, गोरा और बादल नामक ये जो दो इसके सैनिक हैं यही ला सकते हैं, अन्य कोई ला नहीं सकता है। अब खोजने निकलती हैं, खोजते खोजते इनको मिल जाता है। तो कविता मैं आपको सुनाता हूं, कविता है, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। रत्न सिंह को रावल रत्न सिंह भी कहा जाता है वहां पे, तो रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य साहस पे फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर पद्मिनी का डोला यदि ना आया, यदि ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहरसा दौड़ गया गढ़भर में, यह दारुण संवाद लहरसा दौड़ गया पलभर में, यह बिजली की तरह क्षितिज सा फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। यानी यह पूरी की पूरी, अब पूरा यहां पर यह दारुण संवाद फैल जाता है। अब ये जो है निकलती हैं, रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनके रण में भय काती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धागढ़ छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। यानी बहुत सारे ऐसे जो वहां के योद्धा थे, इनके कारण, रत्न सिंह के कारण कि इन्होंने जो दिखाया था उसके कारण वो सब लोग चले गए थे। तो इसी को इन्होंने लिखा है, पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। रानी ये जानती थी कि बिना गोरा से कुछ होने वाला नहीं है, तो ये पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला, गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया। मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया, बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूं राजनीति क्या जानू, निर्वासित हूं राजमुकुट की हट कैसे पहचानू। यानी ये जब सुनाती हैं कि दिल्ली का उसका पैगाम सुनाती है, तो कहता मैं क्या जानू रानी, मैं तो वो अपमानित था, मैं तो राजनीति में तुच्छ हूं, मैं क्या जानता हूं, अब मैं राजमुकुट की बात कैसे क्या पहचानू, आप लोग जानिए। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, पद्मिनी कहती है पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, अगर ये पद्मिनी दिल्ली गई तो फिर पीछे पछताओगे, और जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहा वह माफ करो सेनानी, राणा ने जो किया कहा वह माफ करो सेनानी। यह कहकर गोरा के चरणों पर झुकी पद्मिनी रानी, यह कह करके पद्मिनी जो है उसके पैरों पर झुक जाती हैं, और जब झुकती हैं, चूंकि यह महारानी हैं और वह एक कद्दावर और कहिए अंतरंग रूप से पूरे अपने सब कुछ अपना मानने वाला वह ऐसा जो है इनका सैनिक रहता है, जब यह पैरों पर झुकती हैं तो कहता है क्या करती हो गोरा पीछे हट बोला, यानी तुम क्या कर रही हो गोरा पीछे हट बोला। और राजपूती गरिमा का फिर से धड़क उठा था सोला, बोला महारानी
बोला, महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो, जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। वो कहता है कि जब तक मैं हूं तब तक कुछ होने वाला नहीं है, तुम निश्चिंत रहो महलों में, तुम निश्चिंत रहो महलों में, तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा कि सरिया तलवारों का पानी, राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा। गोरा कहता है कि जब तक राणा आएंगे नहीं तब तक गोरा मरेगा नहीं, ये मान करके चलो। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, और एक प्रहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा, अगर मेरा सर भी कट जाए तो मेरा यह धड़ जो है यह युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, उन्हें महाप्रलय के घोर प्रमंजन भी न रोक पाएंगे, यानी कोई रोक नहीं सकता है, और महाराणा को यानी राणा रत्न सिंह को यहां आना ही पड़ेगा। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापत का था तूफानी, शंकर के डमरू से जैसे जागी वीर भवानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। यह पूरी की पूरी यह कहानी ये चलती है, और ये आगे लिखते हैं, खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर प्राणी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को, खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को, गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बाकुरे बादल से गोरा पर सेनापत बोले। यानी 700 इसने कहा कि 700 जो है आप पालक पालिका सजाओ, यानी जो डोली है उसको सजाओ और उसको भिजवा दो कि पद्मिनी तुमसे मिलने आ रही है, और अकेले नहीं आएगी, वो अपनी 700 सखियों के साथ तुमसे मिलने आएगी। पद्मिनी ये संदेशा भेजवाता है, या गोरा उससे अलाउद्दीन के पास संदेशा भेजवाता है, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वो साथ लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। या पद्मिनी जो है इस समय का अगर आप दृश्य सोचिए तो उस दृश्य में सोचिए कि पद्मिनी जो है वह स्वयं ही गोरा का यह कुमकुम तिलक करती हैं और भेजती हैं, और 700 सैनिक जो यम से भी लड़ सकते थे। ये जो 700 सैनिक इसने जो सजाया है वह केवल सामान्य प्रकृति के वह सैनिक नहीं थे, हर सैनिक सेनापत था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। यानी कौन जाएगा, सारे लोग कहने लगे इस 700 में मैं शामिल होऊंगा, यानी किसी भी तरीके से पद्मिनी को वापस लाने के लिए सारे लोग तैयार थे। और 700 लोगों को लेकर के हर डोली में एक वीर था चार उठाने वाले, हर डोली में एक वीर बैठा था चार उठाने वाले थे, पांचों ही शंकर के गढ़ की तरह समर मत वाले, बजा कूच का संघ सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दसों दिशाएं लहराई, गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत किए देखा। बादल इसका भतीजा है गोरा का, और यह अभी नवयुवक है, और ये भी साथ जाता है, इसको भी लेकर के बादल को भी लेकर जाता है, वो भी बहुत बड़ा योद्धा रहता है बचपन से ही। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर करके देखा, कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ा पर सुबट अभिमानी, अंतिम प्रणाम करता है और प्रणाम करके यह महाअभिमानी अपने घोड़े पर चढ़ता है, कर अंतिम प्रणाम घोड़े पर सुबट घर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़े पर सुबट अभिमानी, देशभक्त की निकल पड़े लिखने को वो अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। यानी ये एक लंबी कविता है, इस कविता को मैं कभी अन्य भी सुना दूंगा, ये बड़ा ही मार्मिक कविता है, बीच बीच में आंखों में आंसू आ जाते हैं ये जब पूरी कविता पढ़े, और जितनी बार पढ़ा जाए उतनी बार ये लगता है कि आंसू आ जाते हैं। हालांकि ये वीर रस की कविता है, लेकिन फिर भी ऐसा इसके दृश्य को सोच करके पूरा का पूरा यह कहानी सोच करके और आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिलहाल इतना आप जान लीजिए कि यहां पर पूरे के पूरे और ये जाते हैं और वहां पर युद्ध होता है, युद्ध होने के बाद सकुशल
रत्न सिंह को वापस लाते हैं, वापस ला करके यहाँ पे छोड़ते हैं इन लोगों की, वहीं पे सभी की मृत्यु हो जाती है लेकिन रत्न सिंह बच जाते हैं। बाद में चल करके यह रत्न सिंह जब बसते हैं पुनः वहां पर भी युद्ध होता है और पुनः हमला होता है, तो उस हमले में उसी बीच में रत्न सिंह मर जाते हैं और ये रानियां जो है जौहर कर लेती हैं आदि आदि ऐसा मिलता है, लेकिन ये वापस चले जाते हैं ऐसा ही मिलता है। तो यानी पूरी की पूरी एक कहानी जयसी ने एक अपने पद्मावत में लिखा है और इसमें कुल जो है मूल जो है 57 खंड हैं और एक उपसंहार है जिसको मिलाकर के 58 खंड हो जाते हैं, यानी मूल रूप से 57 ही हैं लेकिन टोटल जो है इसमें 58 खंड आपको मिलते हैं। तो ये एक पूरा समराइज करके अगर मैं कहूं तो आपके सामने ये क्या था, मलिक मोहम्मद जायसी का ये पद्मावत था। तो पद्मावत के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास किया, कितना सफल हुआ हूं कितना नहीं हुआ हूं इसका डिसीजन, इसका निर्णय आप करेंगे कि कैसा लगा आप लोगों को। मैं बहुत कुछ ज्यादा फैक्ट नहीं दिया लेकिन थोड़ा सा ये बताने का प्रयास किया कि थोड़े में ही आप एक कहानी के रूप में इसको पूरे पद्मावत को समझ जाएं। बाकी चीजें अन्य भी आपसे धीरे धीरे रूबरू बीच बीच में होते रहेंगे, कक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी तो वहां तो प्रतिदिन हम आपसे मुलाकात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत प्यार है आप लोगों को, बहुत बहुत आशीर्वाद है, धन्यवाद। पुनः मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।